गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप सबके लिए बड़ी स्पेशल चीज़ लेके आई हूं, बिकॉज आप सबका कहना होता है कि सुगम खाने से पहले या खाने के बाद हम ऐसा क्या पिए या ऐसी कौन सी ड्रिंक लें जिससे कि जो कुछ हमने खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और उससे उसका फैट हमारी बॉडी में बिल्कुल भी ना लगे। तो जी हाँ, एग्जैक्टली आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ और आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि वो चीज़ आपको खाने से पहले लेनी है, वो चाहे आप दोपहर का खाना खा रहे हो या चाहे रात का खाना खा रहे हो। रात का खाना अगर आप लेट नाइट खा रहे हैं 9 बजे तब आपको ये ड्रिंक लेना है। हाँ, अगर आप 7 बजे तक खा रहे हो तो आपको ये ड्रिंक नहीं लेना है। तो इस ड्रिंक को कन्वर्ट करके आपको एज अ नाइट ड्रिंक लेना है, यानी दिन में 2 बार लेना है। ठंड आ चुकी है और यू नो कि बॉडी में इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, ऐठसी रहती है, जो पुराने दर्द हैं वो सारे निकल के आ जाते हैं। तो ये उसमें भी बड़ा ही फ़ायदा करेगी। इवन अगर आपकी हड्डियों में सर्दी लगी है तो उसको भी सही करेगी, कड़क कड़क की आवाज़ आती है तो उसको भी सही करेगी और वेट लॉस बहुत अच्छा करेगी। इवन आपको इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाएंगे और जिसको जितनी जल्दी विजिबल हो वो आके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ मुझे इसके रिजल्ट दिखने लगे हैं। क्या है, कैसे है और बहुत ही मिनटों में बनाना है आपको इसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कैसे लेना है चलिए दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए 1 मग, जो कॉफ़ी मग आते हैं उसके बराबर का आपको पानी चाहिए, 1 पैन चाहिए और इसके बाद मैं जैसे जिन लोगों के पास ऐसा अरेंजमेंट्स नहीं है जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी उनके लिए भी मैं एक शॉर्टकट अभी आपको बताऊंगी। तो ये आपको फर्स्टली यहाँ पे पानी जो है बॉयल करने के लिए चढ़ा देना है और इसमें जो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है दालचीनी का 1 टुकड़ा 1 इंच का, वो आपको ऐड करना है इसमें। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक। और फ्रेंड्स, मैं अगर बोलूं कि जैसे इसको मैं घिस के डाल दूंगी, कि अगर मैं बोलूं जो लोग कॉलेज जैसे हॉस्टल में रहते हैं या इस तरह से, तो उनके लिए मेटाबॉलिक ड्रिंक भी आप बना सकते हो। आप एक कैटल ले लो, गर्म पानी उसमें डाल लो, देन उसके बाद अदरक को इसी तरह से घिस के उसका जूस ले लो, कच्चा जूस 1 चम्मच तक वो ले लो। प्लस उसमें आपको जो है एक लेमन ऐड कर देना है, देन आपको एक ग्रीन टी ऐड कर देना है। ये मतलब आपका जो है यहाँ पे आपका मेटाबॉलिक ड्रिंक बनके रेडी हो गया। और ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी दालचीनी स्टोर करके रखती हूँ, ये बहुत काम आती है सर्दियों में और फैट बर्निंग का बहुत अच्छा मतलब फैट बर्न जो है बहुत स्मूदली करती है। तो इस तरह से अगर आप ऑफिस में हैं या फिर आपके घर में ऐसे अरेंजमेंट नहीं है गैस या इस तरह से, देन इसमें हम पिंच ऑफ जो है वो टर्मरिक डालेंगे। अभी मेरे पास कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं कच्ची हल्दी ही इसमें डालती हूँ जो कि इस समय का सीज़न है। और इसमें 1/2 टेबल स्पून तक जीरा। तो ये आप घर में इस तरह से रह के इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ऑफिस में है तो आपको एक गर्म पानी लेना है, उसमें आपको अदरक का जूस ऐसे ही घिस के डाल देना है, देन आपको एक लेमन डाल देना है और दालचीनी डाल देनी है। अब अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं, लेमन को जो है इसमें डालते हैं। यू नो कि इस समय की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके लिए आपको विटामिन सी हर उसमें चाहिए ही चाहिए, तो अच्छा है कि आप उसको नेचुरल फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करो, ना कि टैबलेट्स में। तो आप इस तरह से जो है लेमन को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जो कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म है, बिल्कुल जो है गैस पे आपको लेमन ऐड नहीं करना है और ना ही ग्रीन टी। ग्रीन टी कभी बॉयल नहीं की जाती, बॉयल की जाती है वो वाली जो आपको खुली हुई मिलती है, ओपन मिलती है। ये आपको जो शेशर्ड्स होते हैं वो नहीं बॉयल की जाती है, वो आपको सिर्फ गर्म पानी में डालना है। तो यह हमारा कप रेडी है और लगभग जो है हमारा ड्रिंक भी रेडी है, यानी कि जो जीरा है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारी अदरक थोड़ा सा टाइम लेगी और दालचीनी टाइम लेगी। तो इस तरह से आपको ये लेना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैं शेयर करूँ दो तरह से। साथ ही साथ अदरक जो है इस ठंड के लिए एक तो आपको कफ निरोधक है, कफ नहीं आने देगा, कफ नहीं आएगा तो आपकी बॉडी में वेट गेन नहीं होगा, बिकॉज कफ एक ऐसा जो है मेजर प्रॉब्लम है जो कि आपके वेट गेन में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब मैं हेल्प ही इसे बोलूँगी। और ये देखिए, मॉर्निंग में मैंने जो है अजवाइन टी पी थी, ये मैं अजवाइन दिखा रही हूँ आपको, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन लिया था मैंने, जो कि मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट लिया था, और ये बिफोर लंच आपको लेना है। और साथ ही साथ इसी तरह से आपको नाइट ड्रिंक भी बनाना है। नहीं कुछ करना चाहते हैं तो गर्म पानी ले लेना, एक उसमें जो है लेमन डाल देना, एक उसमें जो है ग्रीन टी डाल देना और 1 टेबल स्पून तक अदरक डाल देना।
सबसे बेस्ट ड्रिंक है, बेस्ट आपका मेटाबॉलिक बूस्टर है अगर इस तरह से बनाना तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आलस कर रहे हो या कर रहे हो तो इस तरह से बना लेना, साथ ही साथ कच्ची हल्दी ऐड करना। और ये हमने जो है अपना कॉफ़ी मग इसमें ले लिया है, थोड़ा सा जो है पकते पकते थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेटाबॉलिक बूस्टर रेडी है। अब मैं इसे पीऊँगी, देन उसके बाद अपना लंच फिनिश करूँगी 15 से 20 मिनट बाद। वैसे ट्राई करना, आधा घंटा पहले आप इसे लेना, काफ़ी अच्छा और फील करोगे। बनाना विद इन 1 to 2 मिनट्स का काम है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और पीजिए, देखिए, अदरक आपकी बॉडी को स्वेलिंग को बहुत कम करती है और वेट लॉस बहुत अच्छा करती है। लेमन विटामिन सी से भरपूर है, जो कि इस समय के सिचुएशन के लिए आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। और ग्रीन टी तो एंटी ऑक्सीडेंट है ही, तो इन तीनों का जो मैंने कॉम्बिनेशन रेडी किया है वो काफ़ी अच्छा है और इसे मेटाबॉलिज्म बूस्टर भी बोलते हैं। सो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।